अंतर्राष्ट्रीय सनातन परिषद के अध्यक्ष श्री मयंक श्रीवास्तव जी हैं, जो कि पुलवामा हमले पे अपने कुछ विचार रखेंगे। मयंक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। जय श्री राम, नमो नारायण आपके सभी व्यूअर्स को, आपको, आपकी पूरी टीम को। आज 14 फरवरी है। हमारे युवा पाश्चात्य असर को लेते हुए आज वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं। भारत में प्रेम की जो छवि बनी वो वैलेंटाइंस डे की मोहताज नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये, हमारे ही अंश के रूप में निकला हुआ एक राष्ट्र पाकिस्तान, उसने इस दिन हमको इतना बड़ा दंश दिया जब हमारे 44 वीरों को घात लगा करके उसने मार दिया, शहीद कर दिया। एक तरफ तो मन उदास होता है कि हमने इतने पराक्रमी भाइयों को, बेटों को खो दिया, पर दूसरी तरफ ये बात जब आती है मन में तो गर्व से भी मन को भर देती है कि शायद हमारे शत्रुओं को ये भली भांति पता था कि सामने से आंखों में आंखें डाल करके वो हमारे वीर सपूतों से लोहा नहीं ले सकते। इसीलिए उन्होंने वही किया जो उनकी प्रवृत्ति है, घात लगा के वार करना। सामने से यदि वो आते तो अनेकों लड़ाइयां वो हमसे लड़के मुंह की खा चुके हैं। अभी उनके सो कॉल्ड पिताजी चीन में भी उन्हीं की परिपाटी पे गलवान में घुस करके हमारे वीर सपूतों से लोहा लेने की सोची थी। टूटी हुई रीढ़ की हड्डियों और झूलती गर्दनों ने बता दिया कि हमारे बाहुबल में क्या दम है। जितनी एक चीनी सैनिक की ऊंचाई होती है उतना तो हमारे वीर सपूतों के सीने हैं। तो मेरा हमारे अंश पाकिस्तान और उसके अंदर बैठे भारत को दिन दिन याद करने वाले लोगों से ये खुला निमंत्रण है कि यदि उन्हें भारत में घुसना इतना ही प्रिय है तो एक बार आंखों में आंखें डाल करके सामने से कहे तो हम आज भी पूरा पाकिस्तान लेने को, पालने को तैयार बैठे हैं। अखंड भारत का जो स्वप्न हमारे महापुरुषों ने देखा था, आज अंतर्राष्ट्रीय सनातन परिषद उसी तरफ कदम बढ़ा चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय सनातन परिषद का ध्येय संपूर्ण विश्व में जितने भी सनातनी भाई हैं उन सबको एक मंच प्रदान करना, और ये जितने भी उग्रवादी हैं इनको बात से समझ जाएं तो बढ़िया, नहीं तो समझाना हमें आता है। बाहुबल की न कभी कमी रही है सनातनी लहू में, हमारा रक्त जब उबाल मारता है तो इतिहास पलट जाता है। ये कहने की बात नहीं है, इतिहास गवाह है कि हम हारे हैं तो सिर्फ घात लगाने वाले लोगों से। क्यों? क्योंकि हम शेर की तरह शिकार करना जानते हैं, हम भेड़िए की चाल से वाकिफ नहीं थे। लेकिन खैर, ये बात इतिहास हो गई। अब भारतीय युवाओं ने, भारतीय लोगों ने भेड़ियों को भी चित करना सीख लिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में, राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में, चाहे आंतरिक खुराफाती तत्व हों या बाहरी खतरे हों, हम भली भांति लोहा ले रहे हैं। आज भी आप लोगों के टीवी स्क्रीन्स पे आ रहा होगा कि पुलवामा की बरसी पे हमारे ही अंश पाकिस्तान ने एक बार पुनः हरकत करने की सोची और जम्मू बस स्टैंड पे 7 किलो RDX पकड़ा गया। मुझे जैसे ही इस बात का संज्ञान मिला, मैंने भूरी भूरी प्रशंसा करना पहला अपना कर्तव्य समझा कि हमारे जो सशस्त्र बल हैं उनकी मुस्तैदी, उनकी चुस्ती फुर्ती के आगे
ये बेचारे कुछ नहीं कर पाए। आज दोनों मुल्क एक साथ आजाद हुए हैं, सोशल मीडिया पे एक बहुत अच्छा मीम चल रहा है कि भारत तो मंगल तक पहुंच गया और पाकिस्तान आज भी भारत में घुसने की सुरंगें खोद रहा है। तो पुनः मैं निवेदन करता हूं कि यदि तुम्हारी इतनी ही अच्छी विचारधारा है कि तुम्हें भारत में ही आके चैन मिलता है, तो सामने से छाती ठोक के बोलो तो हम तुम्हें स्वीकार करेंगे। आ करके यहां बसना हो तो बहुत अच्छा स्वागत है, और यदि नहीं तो 72 हूरों तक रास्ता हम जरूर पहुंचा देंगे। नमो नारायण, जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। जैसा कि आपने देखा किस तरह से मयंक जी ने अपने विचार प्रस्तुत किए, और कई हद तक हम सभी भारतीय इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि हाँ, ये बात तो है, जितने भी कोशिशें की जाए, हमारी सेना, हमारा देश उससे लड़ता है और उन्हें परास्त करता है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हम सभी आपस की एकता बनाए रखें, और जितने भी लोग, वो चाहे किसी भी जाति या धर्म के क्यों ना हो, वो भारतीय हैं, वो इस बात की गरिमा को बनाए रखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।